अगले दर्शक हैं हमारे साथ रामचंद्र अरोड़ा जो कानपुर से जुड़े हैं। नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, नमस्कार रामचंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार जी। हेलो मैडम, मैंने इन्फोसिस लिया 1049 में 60 शेयर। ओके, मैं क्या करूं? कितने समय के लिए लिया है आपने? मैंने तो 6 महीने के लिया मैडम। ये हाल फिलहाल की खरीद है, कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं? मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही लिया, जिस दिन 100 रुपए गिर गया था। ऑलराइट, ठीक है, जो गिरावट आई उसका इन्होंने सोचा कि थोड़ा बेनिफिट उठाया जाए। आशीष, इनकी जो बाइंग है 1049 के लेवल्स के आसपास है और आज 1044 के साथ ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अगले 6 महीने के लिहाज से क्या टारगेट्स आप देंगे और अगर इन्हें कोई स्टॉप लॉस लगाना हो तो कहाँ पर लगाएं? चार्ट अगर हम देखते हैं तो अगर मैं वीकली चार्ट या डेली चार्ट दोनों रेफर करता हूं तो एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन यहां पे होने की संभावना है और अभी फिलहाल ये जो स्टॉक है बॉटम के बहुत नजदीक है, तो मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा कि होल्ड करें फिलहाल। और इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करना चाहूंगा इस स्टॉक के लिए वो होगा करीबन 998 का। थोड़ा सा डीप डाउन है लेकिन 998 ये एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस इस स्टॉक के लिए साबित हो सकता है। और यहाँ से एक बाउंस बैक अगर इस स्टॉक में आता है तो करीबन 1135-1140 के लक्ष्य भी ये स्टॉक दिखा सकता है, तो होल्ड करें 998 के स्टॉप लॉस के हिसाब से।